विपिन परमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, कब ये खबर डॉक्टर्स की ओर से दी गई? देखिए जितना भी डॉक्टर्स की ओर से इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसकी डिक्लेरेशन करेगी। लेकिन अगर बात करें चंडीगढ़ पीजीआई के प्रवक्ता की तो उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि सनाउल्लाह की मौत जो है आज सुबह ही हुई है। और कल अगर बात करें, कल दोनों डॉक्टरों अगर बात करें ट्रॉमा सेंटर के हेड और साथ ही न्यूरो के हेड, उन दोनों के द्वारा कह दिया गया था कि सनाउल्लाह के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, जॉन्डिस उनके पूरे जो शरीर में था वो फैल चुका था। पिछले 5 दिनों से पीजीआई में जो है सनाउल्लाह की हालत लगातार ही बिगड़ती जा रही थी। अगर बात करें उनके परिवार के जो है उनके भतीजे और उनके बहनों ही पाकिस्तान से उन्हें मिलने भी आए थे, आज उन्होंने पाकिस्तान वापसी करनी थी। 2 दिन पहले जो है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सलमान बशीर भी उनसे मिले थे और उस समय जब मीडिया ने उनसे ये पूछा था कि क्या सनाउल्लाह को पाकिस्तान ले जाया जाएगा तो उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया था क्योंकि जिस तरह की स्थिति सनाउल्लाह की बनी हुई थी, किसी भी तरह का अगर उन्हें शिफ्ट किया जाता तो ये जाहिर सी बात थी कि उनकी मौत हो जाती है। और इसी को देखते हुए उन्हें पीजीआई में बरकरार रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ जॉन्डिस पूरे जो शरीर में फैल चुका था उसके कारण जो है सनाउल्लाह की मौत हुई है। अभी थोड़ी देर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी एक मेडिकल बुलेटिन जो है जारी किया जाएगा जिसके बाद सनाउल्लाह के अगर बात करें परिवार अभी फिलहाल यहीं पर है। अब देखना ये होगा कि क्या सनाउल्लाह का जो शव है वह क्या उनके परिवार को सपोर्ट किया जाता है या नहीं। बिल्कुल, परिवार वालों की ओर से हालांकि इस बात की मांग तो की जा रही होगी कि वो अब जिस तरह से हमने देखा था सरबजीत के मामले में बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था वो सनाउल्लाह के मामले में भी चाहती होगी। देखिए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर सरबजीत के मामले की बात करें तो पाकिस्तान उस समय जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही जम्मू की कोट बलवाल जेल में सनाउल्लाह पर हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा भी तीखी प्रतिक्रिया भारत को देने लग पड़ा था। और उसी के साथ साथ अगर चित्रा बात करें कहीं ना कहीं परिवार आज एक और परिवार जो है वो गमगीन है। अब देखना ये होगा कि दोनों जिस तरह से अगर बात करें सरबजीत के लिए दबाव डाला गया था भारत सरकार के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पर दबाव डाला गया था कि उनकी जो शरीर है वो पार्थिव देह है उसे भारत लाया जा सके, क्या पाकिस्तान की ओर से भी इस तरह का कोई दबाव भारतीय सरकार पर बनाया जाता है ताकि सनाउल्लाह के परिवार को उनका शव मिल सके। बिल्कुल, इस पूरे मामले में हमने ये भी देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर की जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह के जानलेवा हमले को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब जबकि सनाउल्लाह की मौत हो चुकी है ऐसे में सवाल बड़ा ये भी उठता है और किस तरह की जानकारी इस बारे में विपिन आपको मिल पाई है, बाकी के जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी सुरक्षा क्या बढ़ाई गई है? देखिए अगर पंजाब और जम्मू की जेल की बात करें तो जम्मू जेल में जहां पर ये हादसा हुआ विनोद कुमार नामक जो कि पूर्व एक फौजी भी है और जिसने कि एक हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहा था सनाउल्लाह के साथ, उसकी जो झड़प थी उसके फावड़े के साथ जो है सनाउल्लाह के सिर पर जो है वार किया गया था, कहीं ना कहीं उससे पहले जो है बाकी हाई प्रोफाइल कैदियों को जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स थे उनको सभी को अलग जेल में कर दिया गया था। लेकिन सनाउल्लाह का ये बताया जाता है कि सनाउल्लाह सभी भारतीय कैदियों के साथ काफी मिलजुल कर रहा करते थे, इसीलिए जो है जेल प्रशासन जो था उसने सनाउल्लाह को दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें, भारत में अगर जेलों की बात करें तो पंजाब में पहले से ही सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है, जम्मू में भी इस तरह के कदम जो उठा दिए गए हैं ताकि जो है जो इंटरनेशनल अफेयर अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जेलों में एक कैदी का दूसरे कैदी पर अटैक करना, उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को जो है कड़ा करते हुए ये खास निर्देश जेलों में दिए गए हैं कि जो इंटरनेशनली जो कैदी हैं इंटरनेशनली प्रिजनर्स हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ज्यादा जो है जो सुनिश्चित करते हुए ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उनके सुरक्षा घेरों को ज्यादा पुख्ता किया जाए। इस तरह का मामला जब भी सामने आता है कानून के शासन के खिलाफ वो होता है और इसी वजह से देश की सर्वोच्च अदालत ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। विपिन, अब क्या परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई है सनाउल्लाह की, उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए परिवार वाले अगर बात करें परिवार से किसी की बात यहाँ पर रूबरू नहीं होने दिया गया, चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लगाई गई है, पीजीआई के बाहर धारा 144 तक जो है डिप्लॉयड कर दी गई है। लेकिन अगर बात करें परिवार जो है 2 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंचा था, उस समय सनाउल्लाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी और जो चेहरे उनके दिखाई दे रहे थे काफी निराशाजनक चेहरे थे, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था कि सनाउल्लाह की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। अब देखना ये होगा कि अब परिवार जो एक भतीजा और एक बहनोई जो यहाँ पर पहुंचे हैं सनाउल्लाह से मिलने के लिए, क्या वे प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि क्या सनाउल्लाह का जो शरीर है उसे पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वह अपने रीति रिवाज
बाद से जो है उसका उसे नफन दफन किया जा सके, उसका कफन दफन किया जा सके। पर अब देखना ये होगा कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा सरबजीत के समय भी काफी बना था कि पहले कई अड़ंगे डाले गए थे सरबजीत के शरीर को भेजने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के द्वारा बनाया गया था, क्या पाकिस्तान की ओर से किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन किसी तरह का लिखित में कोई मांग की जाती है सनाउल्लाह के शरीर के लिए या नहीं? जो जांच चल रही थी क्या परिवार वाले उससे संतुष्ट है, जो भी ट्रीटमेंट चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से दिया जा रहा था? देखिए जब सलमान बशीर यहाँ पर हाई कमिश्नर पहुंचे थे उनके द्वारा साफ ये कहा गया था, जब हमने ये सवाल पूछा था कि क्या सनाउल्लाह को जो है पाकिस्तान इलाज के लिए ले जाएगा अगर पीजीआई चंडीगढ़ के इलाज से वे संतुष्ट नहीं है, तो उनके द्वारा ये साफ किया गया था कि जिस तरह का इलाज अगर इस समय किसी तरह की भी मूवमेंट सनाउल्लाह के साथ की जाती है या उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाता है पीजीआई के बाहर, तो जाहिर सी बात है ये उनके उनके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और चंडीगढ़ पीजीआई के इलाज के लिए उन्होंने किसी भी तरह के सवाल या निशान नहीं खड़े किए गए थे, क्योंकि हर तीसरे दिन जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन आके सनाउल्लाह की जो जांच पड़ताल यानी कि पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि कम से कम पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों और साथ ही उनके परिवार वालों को संतुष्ट किया जा सके। डॉक्टर्स लगातार लगे रहे बचाने की कोशिशें हालांकि नाकाम हो गई और चंडीगढ़ पीजीआई में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी जानकारी विपिन आपसे लेते रहेंगे।